देवियों और सज्जनों, सैनिटरी पैड्स जो कि हर महिला के काम आता है, महिलाओं में हर 28 से 30 दिन में उन्हें ब्लीडिंग होती है जिसे पीरियड्स कहा जाता है। साइंस की भाषा में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये प्रक्रिया हर महीने होती है। लड़कियों में 13 साल से शुरू होकर 45 से 55 साल तक चलती है। इसका मतलब हर महिला को अपने जीवन में 500 बार पीरियड्स का सामना करना पड़ता है और उसी ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं सैनिटरी पैड्स, जो कि उस ब्लड को हाइजीनिक तरीके से कलेक्ट करके डिस्पोज करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। लेकिन जो पैड्स आजकल मार्केट में बिक रहे हैं वो इस काम के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, यहाँ तक कि इनसे कैंसर जैसी भयानक और जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि इन पैड्स को मैन्युफैक्चर करते समय इनमें कुछ ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं जो कि वजाइना जैसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट पर बहुत बुरा असर डालती हैं। इन पैड्स में डाइऑक्सीन नामक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इस केमिकल को महज पैड का रंग सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। इससे स्किन डार्कनिंग से लेकर ओवेरियन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी पनप सकती है। और तो और, अगर आप इसकी जगह टैम्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक समय के बाद आपकी जान के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। दरअसल टैम्पॉन्स को अगर 4 घंटे के अंदर बाहर नहीं निकाला गया तो ऐसा संभव है कि आपके लोअर एब्डोमेन में असहनीय दर्द हो, और तो और ये इतना भयानक होता है कि आपकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद एक और ऐसा कारण जो बताता है कि इन पैड्स का इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है, वो ये कि इन पैड्स को सुगंधित करने के लिए भी एक केमिकल का इस्तेमाल होता है और ये भी शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। और तो और, ये पैड्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से डिस्पोज भी नहीं होते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि इन पैड्स के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। तो अब करें क्या, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई विकल्प है नहीं। विकल्प ये है कि अगर ऐसे पैड्स का निर्माण किया जाए जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया या प्राकृतिक तत्वों से बने हुए हों तो वो इस चीज में काम आ सकते हैं, और ये काम करके दिखाया है हमारे भारत के 2 विद्यार्थियों ने, अर्जित अग्रवाल और हैरी सहरावत। IIT दिल्ली के इन 2 विद्यार्थियों ने एक ऐसे सैनिटरी पैड का निर्माण किया है जो कि बायोडिग्रेडेबल होने के साथ साथ रीयूजेबल भी हैं। उन्होंने इसको बनाने के लिए बनाना यानी केले के फाइबर्स का इस्तेमाल किया है जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। इन पैड्स को आप धोकर करीब 2 सालों के लिए यूज कर सकते हैं, क्यों है ना कमाल। तो आज ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये बनाना फाइबर और सैनिटरी पैड्स आखिर बनते कैसे हैं। इसमें हम इन पैड्स को बनाने का पूरा प्रोसेस जानेंगे, बनाना फाइबर के एक्सट्रैक्शन से लेकर सैनिटरी पैड्स की पैकेजिंग तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलें। तो आपको जरूर ये ख्याल आया होगा कि आखिर उन्होंने इन पैड्स को बनाने के लिए केले के पेड़ के फाइबर को ही क्यों चुना, है ना। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा है क्यों। भारत दुनिया का सबसे विशाल देश है अगर हम केले की खेती की बात करें तो। दुनिया में और कोई देश इतने केले नहीं उगाता जितना कि भारत, और हद से ज्यादा उपज के कारण वेस्टेज भी बहुत होता है। तो इसे देखते हुए उन्होंने इसी मटेरियल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक तो इसका वेस्टेज नहीं होगा और विमर हाइजीन का भी एक बेहतर उपाय मिल जाएगा। एक तीर से 2 निशाने। तो जैसे ही पेड़ों पर लगे केले पक जाते हैं, उन्हें तोड़कर उनके तनों को काटकर अगली फसल के लिए जगह खाली कर दी जाती है। अगर इनका ये इस्तेमाल नहीं किया जाता तो किसान इन तनों को नहर के आसपास गाड़ देते हैं, जिससे किसान को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन दोनों के क्रांतिकारी उपायों ने इन दुविधाओं को दूर कर दिया है। अब इन कटे हुए तनों को इकट्ठा करके ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है, और अब बारी आती है इन तनों को फाइबर्स में बदलने की। इसके लिए फैक्ट्री में ट्रेन्ड वर्कर्स लगे हुए होते हैं। इन तनों को फाइबर में तब्दील करने के लिए पहले स्टेप में इसे 2 समान भागों में काटा जाता है, लेकिन अब भी ये बहुत मोटे और बड़े हैं, इसलिए फिर से इन तनों को परत दर परत अलग किया जाता है, और अब ये टुकड़े मशीन में जाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त साइज के हो जाते हैं,
और इसीलिए बिना और समय गंवाए इन तनों को मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इन मोटे तनों को पतले और बारीक फाइबर में बदल देती है। इसके बाद इन फाइबर्स को वर्कर्स हाथों से धोते हैं और धूप में डाल देते हैं सुखाने के लिए। और जब ये फाइबर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाते हैं तो अब बारी आती है इनको छोटे भागों में काटने की, जिससे इनके द्वारा पैड्स बनाने में आसानी हो। तो इसके लिए वर्कर्स एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन फाइबर्स को एक नियमित लंबाई से बराबरी से काट देती है। लेकिन अभी भी ये पैड्स बनाने के इस्तेमाल में नहीं आ सकते, क्योंकि ये फाइबर्स पैड्स बनाने के लिए अभी काफी रॉ हैं। इन फाइबर्स को अभी और सॉफ्ट और फ्लफी बनाया जाएगा। और इसके लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है वो एक जादू है। ये हम नहीं, ये लोग खुद कहते हैं। इन फाइबर्स में कुछ अननेचुरल फाइबर मिलाकर रुई जैसा मुलायम बना देती हैं। और ये चीज ही इन सैनिटरी पैड्स का वो हिस्सा है जो ब्लीडिंग को अब्सॉर्ब करता है। फिर इसके बाद बारी आती है इनकी अलग अलग लेयर्स यानी परतों को असेंबल करने की। और ये सारा काम किया जाता है यहाँ काम कर रही महिलाओं के द्वारा। इन महिलाओं का काम होता है इन बनाना फाइबर्स की शीट को दूसरी शीट्स के साथ असेंबल करके इसे एक प्रॉपर पैड का आकार देना। और इस काम को ये लोग हाथों से ही अंजाम देते हैं। और ये जो दूसरी शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी किसी दूसरे पेड़ से ही बनाई जाती हैं, जैसे मकई का फाइबर। मकई के फाइबर से पैड बनाने की प्रक्रिया को हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि इसके एक तने से लगभग 3000 सैनिटरी पैड्स तैयार किए जा सकते हैं। और एक बार इनका असेंबलिंग का काम हो गया तो इन लेयर्स को एक साथ काटकर सैनिटरी पैड्स का आकार दे देते हैं। और इन्हें आकार देने के बाद बारी आती है टेस्टिंग की। इन अभी अभी तैयार हुए पैड्स को टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया जाता है, जहां पर पानी में इंक मिलाकर इसकी टेस्टिंग की जाती है। ये इन पैड्स को सोखने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। इसकी टेस्टिंग के बाद इन पैड्स को सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज मतलब इसकी साफ सफाई, ताकि इसमें किसी प्रकार के कीटाणु तो नहीं, जिसके लिए ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक साफ सुथरे घर में सारे पैड्स को रखकर यूवी लाइट ऑन कर दी जाती है। यूवी लाइट से कीटाणु के डीएनए को डैमेज कर दिया जाता है, फलस्वरूप सारे पैड स्टेराइल हो जाते हैं। और एक बार ये सैनिटाइज हो गए तो उसके बाद फिर इन्हें पैक कर दिया जाता है। आप चकित हो जाएंगे ये सुनकर कि जिस पैकेट में इसे पैक किया जाता है वो भी इको फ्रेंडली ही होते हैं। और इनका दावा है कि ये पैड्स अगर जमीन में दबा दिए जाएं तो महज 6 महीने में ही डिस्पोज हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।